फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एक सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है। हम सेल काफी सारी चीजों में यूज करते हैं, जैसे टॉयज और चीजों में भी यूज होता है। ये बहुत ही सेफ टू हैंडल होता है क्योंकि ये बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से कोई भी इसे सेफली हैंडल कर सकता है। तो अब हम देख लेते हैं एक सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है। ये एक फोटो दिख रही है आपको सेल की। इस फोटो में क्या है कि हमको अंदर एक कार्बन की रॉड दिख रही है। तो वो कार्बन रॉड वन एंड से कनेक्टेड होती है और उसके ऊपर एक ब्रास कैप होती है जो पॉजिटिव टर्मिनल बनाती है, और जो नीचे का जो जिंक कंटेनर होता है वो बनाता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ये पूरा कंटेनर जिंक का होता है जिसके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग ऐसे लगा देते हैं, जिसको जो हमको एक कलर दिखती है कवरिंग। जो जो एक सेपरेटर होता है बीच में, किसकी चारों तरफ जो कार्बन रॉड होती है उसके चारों तरफ एक सेपरेटर होता है, सेपरेटर। तो उस सेपरेटर किससे बना होता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड पाउडर चारकोल या फिर कार्बन इसे। और जो बचा हुआ एरिया होता है वो बना होता है, उसमें अंदर होता है पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड NaCl4i, इसका पेस्ट होता है। इसमें पेस्ट की फॉर्म में होता है जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है और ये लीकेज के बिल्कुल चांसेस नहीं होते। चारों तरफ सील हुआ होता है। मैंने एक सेल की वीडियो बनाई हुई है, आप उसे भी देखें, आपको वो क्लियर हो जाएगा।